बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय चैनल हानिया हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अपने तमाम दोस्तों को अपने चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए किस तरह की टिप लेकर आई हूँ, यानी इस तरह का मैं आपके लिए एक फेस पैक तैयार करूंगी जो कि आपकी स्किन को बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाएगा। अगर आपकी स्किन के ऊपर ब्लैक हेड्स हैं, ब्लैक स्पॉट्स हैं, या एक्ने के बाद कुछ निशानात हैं जो आपकी स्किन को बहुत ज्यादा बदनुमा जाहिर करते हैं, तो दोस्तों किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, आज का फेस पैक उसको सॉल्व करेगा, यानी आपकी स्किन के लिए सूटेबल होगा। और इसमें मैंने कुछ भी ऐसे इंग्रेडिएंट यूज नहीं करने जो कि एक्ने स्किन वालों या नॉर्मल स्किन या ड्राई स्किन के लिए हार्मफुल होंगे, यानी ये तमाम स्किन के लिए जबरदस्त और परफेक्ट रहेगा। तो आइए आगाज करते हैं अपने इस फेस पैक को तैयार करने का। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट मुझे चाहिए वो है मसूर की दाल, यानी आपने मसूर की इस लाल दाल का इस्तेमाल करना है। और इसको आपने करना क्या है, इसको आपने पीस लेना है, यानी ग्राइंड कर लेना है, जो कि मैंने ग्राइंड करके रखा है। मैंने 1 स्पून इसका ऐड करना है अपने इस क्लीन बाउल में। और फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो मैंने इसके अंदर ऐड करना है वो मेरे पास है आलमंड ऑयल। ये आलमंड ऑयल है और ये आपकी स्किन को नरिश करता है, आपकी स्किन के ऊपर से किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करता है, यानी ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आपकी स्किन के निशानात वगैरह को दूर करने में भी अहम रोल अदा करता है। अब आपने इसके अंदर कि हमने अब सेब का जो सिरका है उसको यूज़ करना है 1 स्पून। अब आपने इसमें ऐड करना है, इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फ्रेंड्स नेक्स्ट अब मैंने इसके अंदर चंद ड्रॉप्स जो हैं वो लेमन के ऐड करूंगी। मैं इसके अंदर लेमन जूस के तकरीबन 5 या 6 कतरे जो हैं, यानी इतने से आपने इसके अंदर डाल लेने हैं और आपने अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। दोस्तों ये देखिए मेरा छोटा सा स्मूथ सा और खूबसूरत सा जो फेस पैक है वो रेडी हो चुका है स्किन वाइटनिंग के लिए, स्किन को ग्लो करने के लिए और हर किस्म के निशानात को दूर करने के लिए। अब आपने इसको अप्लाई इस तरीके से करना है, अपने फेस को वॉश कर लीजिए, साफ सुथरा कीजिए, उसके बाद ड्राई करने के बाद इसको अप्लाई करें और 20 मिनट लगा रहने दें। 20 मिनट के बाद आप इसको वॉश कर लें और आप इसको वॉश करने के बाद किसी भी सोप वगैरह का इस्तेमाल ना करें। आप देखेंगे कि आपकी स्किन जो है बहुत सॉफ्ट और स्मूथली हो चुकी होगी। चंद दिन के इस्तेमाल, इसको आप डेली भी यूज़ कर सकते हैं। आप चंद दिन के इस्तेमाल करने से ही अपनी स्किन में एक खूबसूरत सी चेंजिंग फील करेंगे। दोस्तों चाहती हूँ इजाज़त इस खूबसूरत से फेस पैक के साथ। कल मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, शेयर कीजिएगा इसे सोशल मीडिया पर। कल मिलूंगी, अल्लाह हाफिज़।